डाल लीजिए और दो सिलाइयाँ, सॉरी तीन सिलाइयाँ, पहली सिलाई जो हमारी उल्टी बनेगी, दूसरी सीधी और तीसरी फिर उल्टी। अब चौथी सिलाई पे देखिए हम दूसरा कलर लगाएंगे, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी कलर आपने लगाना है। पहला फंदा हम देखिए इस वाले कलर से बना देंगे इस तरह से। अगले सभी फंदों पे ये चार चार के मल्टीपल से हमने फंदे लेने हैं, फोर फोर के मल्टीपल से, और इस तरह से पूरी सिलाई हमने दो बार धागा लपेट के कंप्लीट कर देनी है लास्ट तक, बस इसी तरह से। पहला फंदा भी एज स्टिच है, इसको ऐसे बनाया और लास्ट का भी ऐसे बनाएंगे और ये पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना देंगे लास्ट तक। जितने भी आपके पास फंदे हैं, अगर आप स्वेटर पे डिजाइन डाल रहे हो किसी और पे, तो बस इसी तरह से जितने भी फंदे हैं इस वाली सिलाई में हमने इसी तरह से, दो सिलाइयों का ये डिजाइन है, दो सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है, पहली सिलाई और दूसरी सिलाई। देखिए दोनों सिलाइयां इसमें सीधी ही बनती हैं, ये वाली सिलाई भी और अगली भी हम उल्टी साइड से सीधी बनाएंगे। तो ये मैं आगे तक बना लेती हूँ। अब ये देखिए लास्ट का फंदा हम इस तरह से सीधा बना देंगे। अब उल्टी साइड पे आ जाइए फ्रेंड, और देखिए ये जो हमारा पहला फंदा है, इसको हमने ऐसे उतार के धागे को पिछली साइड को कर लिया है, और एक दो तीन चार फंदे खोलेंगे इस तरह से, ये देखिए, और इस सिलाई पे ले लेंगे। अब जो चौथा फंदा है, इसके साइड से एक फंदा इस तरह से निकालेंगे, ये हमने निकाल लिया। फिर इन चार के बीच में से एक फंदा और बनाएंगे, फिर साइड में से एक फंदा और निकालेंगे, तीन और ये चार, चार फंदे के चार फंदे हमने बना लिए। अब फिर एक दो तीन चार फंदे खोले, इस सिलाई पे ले लिया इनको, और जो चौथा वाला फंदा है इसके साइड से इस तरह से एक फंदा निकाला, फिर बीच में से, फिर एक फंदा साइड में से, और फिर एक फंदा बीच में से, इस तरह से लास्ट तक सभी फंदों को हम इसी तरह से बना देंगे चार चार के जोड़े में। ये देखिए साइड से एक फंदा निकाला, फिर बीच में से, फिर साइड में से, फिर बीच में से, तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन के आएगा, एक दो तीन चार। देखिए साइड में से निकाला पहले फंदा, फिर हमने चारों के बीच में से, फिर साइड में से, और फिर बीच में से। तो इस तरह से मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, दो सिलाइयाँ हमारी इस वाले कलर से कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा बेस कलर है, दो सिलाइयाँ हम पूरे उस वाले कलर से इस तरह से एक सीधी और एक उल्टी बना लेंगे इस तरह से। सभी फंदों को इस तरह से बना लेंगे। तो ये दो सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर हम अगला कलर लगाएंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये दो सिलाइयाँ लगा लेती हूँ मैं, सीधी और उल्टी। अब देखिए फ्रेंड, ये जो अगला डिजाइन बनाएंगे हम, तो इन दो फंदों को हम सेंटर में रखेंगे, एक एक इनका फंदा लेंगे। तो अब हम ये तीन फंदे प्लेन बनाएंगे और एक दो तीन चार पे हम धागा लपेटेंगे। इन तीन के बाद पहले हमने एक बनाया था, फिर हमने धागे लपेटे थे दो बार, तो अब हम तीन फंदे बनाएंगे जब हम दूसरा कलर लगाएंगे प्लेन, और इसके बाद धागे लपेटना शुरू करेंगे। एक एक फंदा हम, ये देखिए ये जो कोने के हैं, एक एक के और एक सेंटर वाला, इनको बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, पहला फंदा हम वैसे ही बना देंगे, ये देखिए इस वाले कलर से। तो तीन फंदे हम इस वाले कलर से बनाएंगे, फिर जब हम ए वाला लगाएंगे तो एक ही बनाएंगे और आगे हम फंदे लपेटेंगे। अब देखिए इस वाले से हम फंदे लपेटना स्टार्ट करेंगे, तो
इस तरह से सभी सिलाइयों पे हम, ये फंदों पे हम इस तरह से धागा डबल बार लपेट देंगे। तो ये पूरी सिलाई मैं इस तरह से बना लेती हूँ। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो तीन फंदे पहले हम प्लेन बना देंगे और लास्ट में भी हम तीन प्लेन छोड़ देंगे इस तरह से। तो मैं लास्ट में दिखाती हूँ फिर आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमने धागा लपेटा और एक दो तीन प्लेन बनाए। अब देखिए ये उल्टी साइड को हमारा सीधा बनेगा। तो पहले हम इन तीन फंदों को ऐसे ही बना लेते हैं, इन तीन को ये देखिए उल्टा बना लिया। अब हम धागा पीछे कर देंगे, एक दो तीन चार फंदे हमने ऐसे उतार लिए खोल के, और जो चौथा फंदा है इसके साइड से एक फंदा इस तरह से निकाल लेंगे, फिर इन चार के बीच में से, फिर एक साइड में से, एक बीच में से, तो चार के चार फंदे आ गए हमारे पास। पूरी सिलाई हम इसी तरह से ये बना देंगे, ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ फ्रेंड, आगे दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, इसके बाद दो सिलाइयाँ हम जो हमारा बेस कलर है इससे बनाएंगे, और दो बार फिर एक ये वाला, एक ये वाला, ये दो बार मैं बना लेती हूँ अगले दो डिजाइन, और फिर दिखाती हूँ आगे हमने किस तरह से बनाना है इसको। चार बार मैं ये डिजाइन बनाऊंगी, उसके बाद अगला दिखाती हूँ।